मंडी में रेल आरक्षण केंद्र फिर से खुल गया है। उपायुक्त कार्यालय के सुगम केंद्र में मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद राम स्वरूप शर्मा ने रेल आरक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। इस सुविधा के आरंभ होने से विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचेगा। इस मौके पर राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रदेश के छात्र उच्च व व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं और उन्हें बार बार इधर से उधर चक्कर रेलवे आरक्षण हेतु न काटने पड़े, इसलिए उन्हें जिला मुख्यालय मंडी में रेल आरक्षण केंद्र की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी ताकि वे अपनी यात्रा आरामदायक तरीके से पूरी कर सकें। इस तरह हमारे प्रदेश के नौजवान भारतीय सेना तथा अर्धसैनिक बलों में भी देश की चारों दिशाओं के अतिरिक्त दूर दराज क्षेत्रों में तैनात हैं और उन्हें जब छुट्टी काट कर अपने गंतव्य पर जाना पड़ता है तब लंबी यात्रा के लिए घर द्वार पर ही आराम से आरक्षण की सुविधा उन्हें मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि जिला के सभी लोगों को जिन्हें रेल द्वारा लंबी दूरी की यात्रा तय करनी है उनके लिए भी जिला मुख्यालय में अब ये सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले इस सुविधा के लिए लोगों को बिलासपुर, शिमला, पठानकोट, अम्बाला, चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि ये तोहफा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कारगिल विजय दिवस के मौके पर दिया गया है। जो रेलवे आरक्षण केंद्र था जो हमारा पर्यटन विभाग चलाता था वो किसी कारणों से बंद हो चुका, लेकिन मैं आभारी हूँ अपने केंद्रीय रेल मंत्री जी का, गोयल जी का कि और हमारे डीसी का जो दिक्कतें हमारे मंडी वासियों को आ रही थी, खासकर जो हमारे सैनिक थे उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना, लेकिन आज ये रेलवे आरक्षण केंद्र पूरा इसी डीसी ऑफिस में खोला गया, इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। तो मैं मंडी वासियों को जो लगातार इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे, रेलवे आरक्षण बंद हो गया, बड़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन ये पूरा इसका शुभारम्भ हुआ है और आज विधिवत इसका उद्घाटन किया गया। हम लगातार यहाँ से रेलवे आरक्षण की जो कराना चाहें वो बड़ी आसानी से यहाँ 9:30 से लेकर 5 बजे तक समय रखा है यहाँ वो रेलवे आरक्षण, तो इसके लिए मैं केंद्र का व्यवहारी हूँ, मंत्री जी का आभारी हूँ और अपने देश के मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी का, उनका भी आभारी हूँ कि जब ये बंद हुआ था तो उन्होंने केंद्र से चिंता व्यक्त की थी और फिर सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद आज आरक्षण को केंद्र यहाँ खुला है, इसलिए मैं बधाई भी देता हूँ और इस हिसाब से धन्यवाद करता हूँ कि सभी काफ़ी प्रसन्न रहे इसको खोलने में, तो ये सेवाएँ तमाम सबको।